Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in the earlier video we have discussed two topics, compound and mixtures and also their types. And in this we will discuss about the types of mixture, but before that we have to discuss about differences between compound and mixture. So what are the major differences between compound and mixture, we will learn in this video. A compound is formed from its constituents element as a result of its chemical reaction. Compound क्या होता है, वो अपने constituent element से मिलकर बनता है और दोनों की combination से ही वो बनता है. Mixture क्या होता है, mixture को हम obtain कर सकते हैं from its element, compound, component as a result of फिजिकल चेंज से भी हम कर सकते हैं. मिक्सचर्स में फिजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग मिक्सचर्स प्रिपेयर होते हैं, लेकिन कंपाउंड कैसे प्रिपेयर होते हैं, केमिकल रिएक्शन से. अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर. हमेशा आप इतना ध्यान रखेंगे कि कोई अगर कोई कंपाउंड है तो उसका नेचर कैसा होगा, होमोजेनस इन नेचर. द मिक्सचर कैन बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस. लेकिन मिक्सचर टू टाइप्स के हो सकते हैं, होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं. इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट. किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका रेशियो फिक्स्ड होता है, हमने ये उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था, बाय देयर मास. इन अ मिक्सचर द कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो. लेकिन मिक्सचर्स में ऐसे रेशियोज का कोई मतलब नहीं है, उसमें किसी भी रेशियो में वो प्रेजेंट हो सकते हैं. The properties of compound are different from those of its elements. जो compound की property होती है वो उसके जिन element से बनता है compound, जब वो compound बन जाता है तो उनके elements की property से वो different हो जाता है. यानी अगर पहले दो elements को मिलाकर हमने कोई compound बनाया है तो जो elements की property रहेगी वही property compound की नहीं रहेगी. So the properties of compound are different from those of its element. The properties of a mixture lie between those of its component. लेकिन mixtures की properties उन दोनों के बीच में हो सकती है, हो सकता है उनसे match करे और हो सकता है ना भी match करे. लेकिन generally क्या होता है, उसकी properties जो है mixtures की lie between those of its component. Fifth है, the components of a compound cannot be separated by physical methods but can be separated by chemical methods. हम कंपाउंड के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ओनली वी कैन सेपरेट इट बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स ओनली. मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से भी उसके कंपोनेंट्स को उससे हम सेपरेट कर सकते हैं. सिक्स, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इज अकंपनीड बाय एनर्जी चेंज. उसका जो एलिमेंट्स जब बनते हैं तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जब होगा तो उसमें एनर्जी भी चेंज हो सकती है, एनर्जी इवॉल्व भी हो सकती है, अब्सॉर्ब भी हो सकती है. लेकिन ऐसा कुछ प्रोसीजर मिक्सचर में नहीं है. जरूरी नहीं कि वहां पर कंस्टिट्यूएंट अगर ऐड हो रहे हैं तो उनमें से एनर्जी रिलीज हो या अब्सॉर्ब हो, ऐसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंट फीचर्स नहीं है. टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स में एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ इट्स कंपोनेंट. जो मिक्सचर्स होते हैं वो थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट कैसा है. ऑल्सो मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस, देयर फोर मिक्सचर्स आर मे बी क्लासिफाइड एज. बहुत तरीके के मिक्सचर्स हो सकते हैं क्योंकि ये होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं, और ये तीन स्टेट में है. तो हम ऐसा भी हो सकता है कि हम सॉलिड सॉलिड को मिक्स करें, सॉलिड लिक्विड को मिक्स करें, लिक्विड गैस को मिक्स करें, गैस सॉलिड को मिक्स करें. सो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज टाइप ऑफ मिक्सचर्स एंड देयर नेचर एंड देयर ऑल्सो अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट इज सॉलिड सॉलिड मिक्सचर. वेन वी एड सॉलिड इन सॉलिड सो इट विल शोज होमोजेनस इन नेचर, जस्ट लाइक ब्रांस. ब्रास, जो ब्रास है देखिए, ये ब्रास किसका मिलकर बना है, ब्रॉन्ज और सोल्डर का. इसके लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि इसमें आप पता नहीं कर सकते
कि ब्रास किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो आपने दो सॉलिड को ऐड किया तो क्या मिला आपको? ब्रास। सेकंड, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हेट्रोजनस। इफ यू ऐड सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, वो हेट्रोजनस भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, कॉमन सॉल्ट एंड सैंड को हमने ऐड किया तो वो अलग अलग दिखेंगे। इसमें होमोजेनस में हमने ऐड तो दो चीजें की, लेकिन दिख हमें सिर्फ एक ही रहा है। और कॉमन सॉल्ट एंड सैंड में इसमें दोनों चीजें आपको दिखेंगी। ऐसा मिक्सचर दो दोनों सेपरेट लुक दें। थर्ड, सॉलिड में हमने लिक्विड ऐड किया, यानी सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, शुगर इन वॉटर। हमने क्या किया, वॉटर में शुगर ऐड कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, होमोजेनस नेचर, क्योंकि जब शुगर ऐड हो जाएगी उसमें स्टर करने पर वो उसमें मेल्ट हो जाएगी। मिक्स होने के बाद हम ये पता भी नहीं कर सकते कि उसमें क्या मिला है विदाउट एनी टेस्ट। फोर्थ इज सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। जब हमने सॉलिड लिक्विड को, एक लिक्विड और एक सॉलिड को मिक्स किया, जस्ट लाइक सैंड इज अ सॉलिड एंड वॉटर इज अ लिक्विड, सो इट इज ऑल्सो शोइंग हेट्रोजनस मिक्सचर। इट इज हेट्रोजनस इन नेचर। फिफ्थ इज लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। इफ यू एड लिक्विड इन लिक्विड, जस्ट लाइक वॉटर एंड एल्कोहल, वॉटर इज ऑल्सो अ लिक्विड एंड एल्कोहल इज ऑल्सो अ लिक्विड, सो वेन वी एड इट, इट विल बिकम, इट विल शो होमोजेनस इन नेचर। सिक्स्थ इज लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। वेन वी एड लिक्विड इन लिक्विड, जस्ट लाइक हेयर, वॉट इज दैट, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वॉटर इज, इन वॉटर वी आर एडिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, बट बोथ ऑफ देम लुकिंग डिफ सेपरेटली हेयर, यू कैन ऑब्जर्व इट क्लियरली फ्रॉम दिस पिक्चर। एज बोथ आर लुकिंग सेपरेटली, सो इट इज शोइंग हेट्रोजनस नेचर। सेवन, लिक्विड गैस मिक्सचर। लिक्विड गैस मिक्सचर, वेन वी एड इन लिक्विड वी आर एडिंग गैस, जस्ट लाइक वी आर ऑलवेज ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स, एंड इन कोल्ड ड्रिंक्स CO2 गैस इज डिजॉल्व, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वॉटर इन एरेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर। हमने सोडा वाटर देखा हुआ है सभी ने, तो सोडा वाटर में वो जो बबल्स प्रेजेंट होते हैं वो बिकॉज ऑफ CO2 प्रेजेंट इन दैट, दे आर प्रेजेंट, उसमें बबल्स आते हैं। सो आप क्या उसको देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग दिख रही है, वाटर अलग दिख रहा है? नो, दे आर मिक्स ईच अदर, एंड इफ वी सी दैट दे आर लुकिंग लाइक सेम, सो इट इज ऑल्सो शोइंग होमोजेनस इन नेचर। एट पॉइंट इज लिक्विड गैस मिक्सचर। वी आर ऑब्जर्विंग दैट हेयर इन दिस डायग्राम, इन वॉटर वॉट इज एडिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज एडिंग इन वॉटर, सो लिक्विड वॉटर गैस SO3, सो दिस इज अ हेट्रोजनस मिक्सचर। इन पिक्चर यू आर ऑब्जर्विंग some layers are there, so they are looking separately, so it is heterogeneous mixture. Gas-gas mixture means heterogeneous mixture. Here if we add, air is a mixture of gases, air is a mixture of several gases, so several gases are heterogeneous in nature. I hope that you will understand in this video whatever I have taught you, the type of mixture when we add some one state to another state, same different states, या same states, हम किसी भी state को add कर रहे हैं, जैसे solid को solid से हमने दो बार देखा कि solid को हम अगर solid में रखें तो वो homogeneous भी हो सकता है और heterogeneous भी हो सकता है। हम solid में liquid में solid add कर देंगे तो भी वो homogeneous भी हो सकता है और heterogeneous भी हो सकता है। हमने लिक्विड में लिक्विड मिक्सचर किया तो वो भी होमोजेनस और हेट्रोजेनस हो सकता है। लिक्विड में गैस मिक्स किया तो जब लिक्विड में गैस मिक्स करेंगे तो वो भी होमोजेनस और हेट्रोजेनस नेचर शो करेगा, बट जो गैस गैस का मिक्सचर है वो कैसा होगा? हेट्रोजेनस। सो आई होप दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स एंड देयर नेचर्स विद देयर एग्जाम्पल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।